भारत के सुदूर पश्चिम में स्थित थार के मरुस्थल में जैसलमेर की स्थापना भारतीय इतिहास के मध्यकाल के प्रारंभ में 1178 के लगभग यदुवंशी भाटी के वंशज रावल जैसल द्वारा की गई थी। रावल जैसल के वंशजों ने यहां भारत के गणतंत्र में परिवर्तन होने तक बिना वंश क्रम को भंग किए हुए 770 वर्ष सतत शासन किया, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है। जैसलमेर राज्य ने भारत के इतिहास के कई कालों को देखा व सहा है। जैसलमेर का क्षेत्र थार के रेगिस्तान में स्थित है। यहाँ दूर दूर तक रेत के ऊंचे ऊंचे टीले हैं, जो कि आंधियों के साथ साथ अपना स्थान बदलते हैं। इन्हीं रेतीले टीलों के मध्य पथरीले पठार व पहाड़ियां भी स्थित हैं। इस संपूर्ण इलाके का ढाल सिंध नदी व कच्छ के रण अर्थात पश्चिम दक्षिण की ओर है। सुनार किला जैसलमेर के दर्शनीय स्थल में खास स्थान रखता है। पटू की हवेली, दीवान नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, लोक सांस्कृतिक संग्रहालय, अमर सागर झील, खूबसूरत जैसलमेर की रौनक बढ़ाती है ये जगह। आप भी एक बार अपनी फैमिली के साथ यहाँ का ट्रिप जरूर प्लान करें। संकरी गलियों वाले जैसलमेर के ऊंचे ऊंचे भव्य आलीशान भवन और हवेलियाँ सैलानियों को मध्यकालीन राजशाही की याद दिलाती है। शहर इतने छोटे क्षेत्र में फैला है कि सैलानी यहाँ पैदल घूमते हुए मरुभूमि के सुनहरे मुकुट को निहार सकते हैं। जैसलमेर भारत के मानचित्र में ऐसे स्थल पर स्थित है जहाँ इसका इतिहास में एक विशिष्ट महत्व है। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर होने के कारण अरबों तथा तुर्की के प्रारंभिक हमलों को यहाँ के शासकों ने न केवल सहन किया वरन दृढ़ता के साथ पीछे धकेल कर शेष भारत को बाहरी आक्रमणों से सदियों तक सुरक्षित रखा। राजस्थान के दो राज्य मेवाई और जैसलमेर प्राचीन माने जाते हैं, जहाँ एक ही वंश का लंबे समय तक शासन रहा है। हालांकि मेवाड़ के तुलना में जैसलमेर राज्य की ख्याति कम है। इसका मुख्य कारण है कि मुगल काल में जहां मेवाड़ की स्वाधीनता बनी रही, वहीं जैसलमेर अन्य शासक की भांति मुगलों से मिलजुल कर लिया। जैसलमेर जिले का भूभाग प्राचीन काल में माडधरा अथवा वलल मनदल के नाम से प्रसिद्ध था। इतिहास के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात यादवों का मथुरा से काफी संख्या में बहिर्गमन हुआ। ये राजस्थान एवं गुजरात की ओर अग्रसर हुए। जैसलमेर के भूतपूर्व शासकों के पूर्वज जो अपने को भगवान कृष्ण के वंशज मानते हैं, संभवतः 6वीं शताब्दी में जैसलमेर के भूभाग पर बसे थे। इस जिले में यादवों के वंशज भाटी राजपूतों की प्रथम राजधानी कनौट, दूसरी लौद्रवा तथा तीसरी जैसलमेर में रही। राजस्थान के प्रसिद्ध मरु शहर जैसलमेर की स्थापना 1156 में भाटी राजा जैसल ने की थी। चित्रकला की दृष्टि से जैसलमेर का विशिष्ट स्थान रहा है। वहीं कला संसार का खजाना भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। प्राचीन काल से ही व्यापारिक स्वर्ण मार्ग के केंद्र में होने के कारण जैसलमेर ऐश्वर्य धर्म एवं सांस्कृतिक अवदान के लिए प्रसिद्ध रहा है। जैसलमेर में स्थित सुनार किला, चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन मंदिर, संभवनाथ शांतिनाथ कुंथनाथ जैन मंदिर, चंद्रप्रभु जैन मंदिर तथा अनेक वैष्णव मंदिर धर्म के साथ साथ कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। मरु संस्कृति का प्रतीक जैसलमेर कला व साहित्य का केंद्र रहा है। उसने हमारी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने में एक प्रहरी का कार्य किया है। यहाँ रचे गए अधिकांश ग्रंथों पर शासकों के नाम, वंश, समय आदि का वर्णन किया गया है। यहाँ ताम्रपत्र पर उपलब्ध प्राचीनतम ग्रंथ विक्रम संवत 1117 का है। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल सिटी फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।